एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट गॉर्जियस विद प्रिया। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहती हूँ जब आप मेकअप करते हो तो उसके रिगार्डिंग। जो सबसे पहला स्टेप होता है मेकअप का, दैट इज टू प्रेप योर स्किन। इट इज बेसिकली प्रिपेयरिंग योर स्किन फॉर द मेकअप सो दैट द मेकअप लुक्स फ्लॉलेस। जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं इन चीज़ों को जरूर फॉलो करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लीन माय फेस विद अ फेस वॉश। कोई भी फेस वॉश ले लो आप और अपना फेस क्लीन कर लो बिफोर गोइंग फॉर अ मेकअप, बिफोर डूइंग योर मेकअप। आफ्टर क्लीनिंग माय स्किन जो नेक्स्ट स्टेप मैं करती हूँ वो है मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करती हूँ। तो अभी मेरे पास जो भी मॉइस्चराइजर अवेलेबल होते हैं मैं वो यूज़ कर देती हूँ। फिलहाल मेरे पास ये L'Oreal Paris का Hydro Fresh Anti-Ox Moisturizer। मैं ऑलरेडी अपना फेस मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ ये मॉइस्चराइजर लेकर के। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है जो मैं करती हूँ आफ्टर मॉइस्चराइजिंग माई स्किन आई अप्लाई माई प्राइमर। मैं प्राइमर यूज़ करने से पहले अपना आई मेकअप कम्प्लीट करूँगी क्योंकि प्राइमर तो हम अपना फेस लगाने के लिए यूज़ करते हैं। मैं पहले नहीं लगा रही हूँ प्राइमर क्योंकि अगर मैं प्राइमर पहले लगा लूँगी और फिर मैं अपना आई मेकअप करूँगी तो जो फॉल आउट होगा तो मेरे को पूछना पड़ेगा उसको। जब मैं पूछूँगी तो फिर मेरा ये प्राइमर भी पूछ जाएगा, इसलिए मैं पहले अपना आई मेकअप कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं प्राइमर यूज करती हूँ और उसके ऊपर से फिर फाउंडेशन यूज करती हूँ। To use this LA Girl Pro Concealer in the shade Natural as a primer for my eyes. This will act as a base for my eyeshadow. इससे पहले तो हमारे आईब्रोज को एक शेप मिल जाती है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जब हम अपनी आईज को पहले ही प्राइम कर लेते हैं तो जब भी हम आई शेडो अप्लाई करते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है, मतलब उसके जो पिगमेंट्स हैं बहुत अच्छा कलर देते हैं। इसलिए एवरी टाइम जब भी आप आई मेकअप करो तो पहले अपने आईज को प्राइम जरूर करो जिससे कि जो आपका आई शेडो है वो लंबे समय तक टिकेगा। I will be using the Morphe 35B palette and I'll start off with a very light color for the crease area. शुरुआत बहुत ही लाइट पिंक कलर के आई शेडो से की है, इसके बाद इवेंचुअली मैं इसे डार्कर शेड की तरफ जाऊंगी और इससे थोड़ा डार्क कलर का शेड लूंगी नेक्स्ट फॉर द क्रीज एरिया। उसके बाद फिर मैं उससे भी ज़्यादा डार्क कलर का लूंगी टू गिव इट अ प्रॉपर ग्रेडेशन ऑफ कलर्स ऑन द आई शेडो।
नेक्स्ट मैं सेम वही कंसीलर जो मैंने शुरुआत में यूज करा था वो यूज कर रही हूँ टू कट अ क्रीज। ये लाइट शेड जो पिंक का मैंने पहले यूज करा था ये लेकर के जो कट क्रीज करा है उसके अंदर फिल कर रही हूँ इसको। मैं ये शैम्पेन कलर का आई शेडो लेकर के अपने ब्रोज हाईलाइट कर रही हूँ। जो ब्रो बोन है उसके ऊपर ये शैम्पेन कलर का आई शेडो लगा के उसको हाईलाइट कर रही हूँ। बाद जो हमने कट क्रीज करा था उसके अंदर मैं एक ये सिल्वर कलर का आई शेडो फिल कर रही हूँ। I'm using this Lakme Absolute का gel eyeliner. After my eyeshadow is done, I'm going to put this eyeliner. Give my eyeliner a bold effect, so I'm using this blue eyeliner from NYX Cosmetics. On top of the black eyeliner that I already used, तो इसको मैं आधा ही fill कर रही हूँ, उसको पूरा end तक नहीं ले जा रही, सिर्फ आधा use करूँगी मैं ये blue eyeliner. After the liner is done, I'm using this mascara from Stila Cosmetics. कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लास्ट स्टेप इज पुटिंग द लैशेस। मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर यूज कर रही हूँ तो मैं बेस लगाने से पहले ही थोड़ा सा प्राइमर यूज करूंगी, ज्यादा नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में यूज करना है इसको और अच्छे से पूरे फेस पे इसको लगा लेना है। Next, I'm going to color correct my skin. So under eyes पे हमें correction की जरूरत पड़ती है और nose के contours पे around the face थोड़ा color जो होता है face का वो even नहीं होता, तो इसको even करने के लिए हमें corrector का use करना पड़ता है। So I'm going to use this camouflage cream by Derma palette. ये Revlon है, ये Delhi palette है, Delhi one. इसमें से मैं जो orange shade है ये मैंने अपना orange shade और इसको अपने अंडर आईज पे अराउंड द फेस यूज करूंगी और जहाँ पर मुझे तरह तरह से दाने वगैरह हैं उनको कवर करने के लिए यूज करूंगी। The foundation that I'm going to use is from Sephora in the shade Clear Light. Foundation नहीं use करती हूँ, बहुत ही light foundation use करती हूँ ताकि जो मेरा makeup है वो थोड़ा natural लगे ना कि बहुत ज़्यादा cakey। Prefer a beauty blender to blend my foundation. तो this one is from the beauty blender itself और इसको मैं थोड़ा सा डैम करके और फिर यूज करती हूँ। इससे जो फाउंडेशन होता है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है।
नेक्स्ट मैं वही कंसीलर जो मैंने शुरुआत में यूज़ करा था आईज को प्राइम करने के लिए वही यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में बिल्कुल उस तरह से, वहाँ वहाँ उन उन एरियाज पे हाईलाइटिंग की ज़रूरत होती है इसलिए हम वहाँ पे लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करते हैं। तो इससे जो आपके ये एरियाज होते हैं फेस पे ये हाईलाइटेड दिखते हैं। नेक्स्ट मैं लूज पाउडर लूंगी नो फिल्टर बाय कलर पॉप, इट्स अ ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर, और इसको लेकर के मैं सारा जो भी फाउंडेशन और कंसीलर हमने यूज करा है उसको सेट कर रही हूँ। I'm using this powder contour from the spice palette from LA Girl. इससे मैं अपना जो चीक बोन्स है उसको कंटूर कर रही हूँ हल्का सा, और फिर मैं अपने नोज के कॉर्नर्स को भी इससे कंटूर करूँगी ताकि थोड़ा मेरा नोज शार्प लुक दे। ब्लश और हाइलाइटर के लिए मैं ये रेवोल्यूशन मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट यूज कर रही हूँ, इसमें से एक लाइट पिंक शेड यूज कर रही हूँ मैं एज अ ब्लश। इन पैलेट से मैं ये हाइलाइटर यूज कर रही हूँ अपने चीक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए। सेम पाउडर हाइलाइटर ऑन द ब्रिज ऑफ माय नोज। Done with my makeup, और ये मेरा final look है। Please let me know what you think.